हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी आपकी सीजीएल एग्जाम और एमटीएस एग्जाम के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं, सीजीएल की नोटिफिकेशन आई थी और आपका एग्जाम प्री पोन्ड हो गया है। तो अब आपका एग्जाम और थोड़े जल्दी होने वाले हैं, 9 से शुरू होके 26 तक में खत्म हो जाएंगे। सो जो भी है सीजीएल एस्पिरेंट्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन ऑफ लेटेस्ट क्वेश्चंस। सो हम कर रहे हैं बेसिकली लेटेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। मिसिंग नंबर सीरीज में हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हमें दिया गया है 192, 185, 171, 122, 1 और फिर 87। सो इस तरह की सीरीज दी गई है और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पर डिफरेंस, कभी भी आपको मिसिंग नंबर की सीरीज करनी है तो उसका पहला फंडा यही है कि डिफरेंस से ही शुरुआत करनी है। सो 92 से 85 डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है सीरीज, पहला चीज ध्यान में रखेंगे। 92 से 85 हो गया, यहाँ पर है 7 नंबर्स का डिफरेंस। 85 से 171 हो गया है, तो यहाँ पर है, सो 5 में से 1 गया, यहाँ पर आया 4 और फिर 8 में से 7 गया, यहाँ पर आया 1। सो 7 के बाद 14 नंबर का डिफरेंस है और फिर ये क्वेश्चन मार्क आ गया है। सो इसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, ये 122 से 87 हो गया है। 12 में से 7 जाएगा, यहाँ पर आएगा 5, उसके बाद में 11 में से 8 जाएगा 3। सो इस तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिला है कि यहाँ पर 7 का टेबल चल रहा है। 7 का है 7 वंस, देन 7 का 2 टाइम्स, इसके बाद यहाँ पे 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और फिर ये है 7 का 5 टाइम्स। सो इस तरह से हमें यहाँ पर 7 की टेबल देखने को मिल रही है, यानी कि 7 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। सो नेक्स्ट में आएगा 7 3 21 आ जाएगा और इसके बाद आएगा 7 4 28। सो अभी हमें क्या करना है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है नंबर, ठीक है। सो 171 में 21 को माइनस कर देंगे, हमें हमारा आंसर आ जाएगा। सो 1 का 1 0 हो गया, 0 यानी कि यूनिट डिजिट में जो नंबर है वही होगा। उसके बाद में 17 में से 2 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे आएगा 15। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, 150। या तो आप वो भी कर सकते हैं, 122 में आपने आप 28 को ऐड कर देना है, 8 और 2 का 10 हो जाएगा, 0 आएगा प्लेस डिजिट में। 12 के बाद 2 को 14 हो जाएगा और 1 जो कैरी था 10 का 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मिल गया इस क्वेश्चन का आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर अगेन हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आपकी सीरीज में आपको 2 नंबरों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर ये सीरीज इसको लिख लेते हैं फटाफट से। सो 37, 50, 65 और फिर 82। तो क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारा जो फाइंड आउट क्वेश्चनेबल वैल्यू है वो शुरू में ही दी गई है और इस तरह से 2 दी गई है, तो यहाँ पर डेफिनेटली डिफरेंस देखेंगे। सो 50 to 65 का डिफरेंस यहाँ पे हमें दिख रहा है क्लियर कट 15 नंबर का। सादा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ आपको ऐसे देखना होगा कि किससे आप जितना कम समय लगाकर ज्यादा से ज्यादा नजदीक पहुंच सकते हैं सॉल्यूशन के। सो हमने देखा 50 to 65 इजीली हमें दिख रहा है 50 नंबर का डिफरेंस। 37 to 50 यहाँ पर हमें दिख रहा है 30 नंबर का डिफरेंस। 26 से 37 यहाँ पर हमें दिख रहा है इजीली 11 नंबर का डिफरेंस। तो इससे हमें पता चल गया यहाँ पर चल रहा है ऑड नंबर का डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। ऑड नंबर तो चल रहा है पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है राइट टू लेफ्ट की तरफ। सो राइट टू लेफ्ट में जाएंगे तो एक तो ऑड नंबर चल रहा है और ऊपर से वो डिक्रीजिंग ऑर्डर भी चल रहा है। सो ये 15 हो गया, 13 हो गया, 11 हो गया, इसके बाद ये वाला हो जाएगा 9 और फिर फर्स्ट वाले क्वेश्चन मार्क के लिए हमारे पास यहाँ पर 7। सो यहाँ 17 में से 7 को माइनस किया तो हमें मिला 10, यानी कि तो इस तरह से हमें मिला हमारा एक सेकेंड नंबर का क्वेश्चनेबल टर्म हमें मिल गया 10। सो 10 वाले को जो होगा वही आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 7 के बाद एक और रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर अगर रिड्यूस होता है तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। 7 का नेक्स्ट ऑड नंबर रिड्यूसिंग वे में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सो यहाँ पे 5 आएगा। सो 10 में से 5 को माइनस किया 5, तो 5 ही आएगा। सो सेकेंड वाला जो कि हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चनेबल टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 5। सो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। सो इस तरह से यहाँ पर क्या चला, यहाँ पर अगेन चला ऑड का डिक्रीजिंग ऑर्डर में पैटर्न। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। सो ये क्वेश्चंस एसएससी ने पूछे हैं, काफी इजी क्वेश्चंस आपको दिए थे सीपीओ में, सीपीओ के इस साल के पेपर में अच्छे खासे इजी क्वेश्चंस आपको दिए हैं। चलिए देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सो यहाँ पर दिया है 7, 16, 43, 124,
367 और फिर क्वेश्चन मार्क, इनके बीच का डिफरेंस देख लेंगे तो 7 और 16 के बीच का डिफरेंस होता है 9 का डिफरेंस आएगा यहाँ पर, फिर 16 और 43 के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो 3 में से 6 गया, यानी कि 13 में से 6 गया, हमें मिला 7, इसके बाद में यहाँ पर 3 में से 1 गया, यहाँ पर मिला 2, यानी कि यहाँ पर हो गया 27। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 9 है, उसके बाद 9 का इंटू 3 उसका नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट जो डिफरेंशियल नंबर। नेक्स्ट वाले को देखेंगे, 4 में से 3 गया यहाँ पर आएगा 1, 12 में से 4 गया यहाँ पर आएगा 8। सो हमने यहाँ पर देखा कि ये 9 की टेबल चल रही है, 9 का 3 टाइम्स 27 हो गया, फिर 27 का 3 टाइम्स 81 हो गया, इस तरह से हमने देख हमें देखने को मिल रहा है कि 81 का 3 टाइम्स होगा जो भी उसका नेक्स्ट नंबर होगा, और जो ये नेक्स्ट नंबर होगा वही होगा उसके उसका 3 टाइम्स। तो इस तरह से हर एक डिफरेंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 से, और उससे उसका नेक्स्ट डिफरेंस पता चल रहा है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 1 3, और यहाँ पर हो जाएगा 8 3 24, सो यहाँ पर आएगा 243। इसका मतलब 243 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपका क्वेश्चन मार्क की तरफ जाने वाला आंसर में आपको वैल्यू पता चल जाएगी कि किसको आपको ऐड करना है। सो 3 3 जा यहाँ पर आएगा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी एंड 3 2 जा 6 1 7। सो इस तरह से हमें मिला यहाँ पर 729 का नंबर। अब बस आपको क्या करना है, 367 और 729 को ऐड कर देना है। सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर कितने नंबर आ जाएंगे, 7 और 9 को ऐड कर देना है, यहाँ पर आएगा 16। 6 का यूनिट डिजिट, ऑल आर इन द 6 यूनिट डिजिट, तो इसके बाद में हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। सो 7 और 9 को ऐड किया 16 आया, 16 का 1 कैरी, सो 6 एंड 2 8 एंड 1 9। सो इस तरह से हमें यहाँ पर मिला 9 और 6 का कॉम्बिनेशन। सो 6 तो सारे में ही है, लेकिन 9 और 6 का कॉम्बिनेशन ऑप्शन नंबर 2 में है। इसके बाद इसको पूरा सॉल्व कर लेते तो यहाँ पर हमें मिला 9, उसके बाद 7 और 3 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 10। सो इस तरह से 1096 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। सो हमने देखा कि यहाँ पर जो इसका मेन सीरीज का हमें डिफरेंस मिला वो एक डिफरेंस था, और उस डिफरेंस के बीच में क्या कनेक्शन है, तो जो डिफरेंस का डिफरेंस मिला है वो है कि आपका जो एक डिफरेंस है वो इंटू 3 होकर नेक्स्ट डिफरेंस का नंबर बन रहा है, फिर वो इंटू 3 होकर नेक्स्ट डिफरेंशियल नंबर बन रहा है, इस तरह से कंटिन्यू हो रहा है, और इस तरह से हमने यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसको देख लेते हैं, अभी यहाँ पर 43 से 48 के बीच का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 है, प्लस 5 हो गया, 48 से 46 के बीच का डिफरेंस है, माइनस 2 हो गया, अगले में ही क्वेश्चन मार्क है तो हमें यहाँ पर बस एक और चाहिए। सो 49 से 54 के बीच का डिफरेंस यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर दिख रहा है प्लस 5, 54 से 52 यहाँ पर माइनस 2 हो गया है। सो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि प्लस 5 और माइनस 2 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो नेक्स्ट में आएगा प्लस 5, 46 में हमें करना है प्लस 5, 6 5 का 11, 1 हो जाएगा, और एक कैरी, और 4 1 5। सो हमें यहाँ पर मिल गया 51 का ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमने यहाँ पर देखा प्लस 5 और माइनस 2 का इस तरह से कॉम्बिनेशन में पैटर्न चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पर हमें दिया गया है 9 है, देन 20, 42, 86, 174 और फिर क्वेश्चन मार्क। सो अभी यहाँ पे क्या कनेक्शन हो सकता है, सो 9 से 20 का डिफरेंस यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है 11 नंबर का डिफरेंस, ठीक है, 11 नंबर का डिफरेंस है यहाँ पर। इसके बाद में 20 से 42 यहाँ पर हमें दिख रहा है 22 नंबर का डिफरेंस। सो 11 और 22 इज नथिंग बट 11 का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। 42 से 86 को एक और को देख लेंगे तो 6 में से 2 गया यहाँ पे आया 4, 8 में से 4 गया 4। सो इस तरह से हमें दिख गया कि ये 11 का टर्म्स है, 22 आया, फिर 22 को हमने डबल कर दिया, सो 44 आया। सो 11 का मल्टीप्लाई 2 हुआ है एंड देन उसका मल्टीप्लाई 2 हुआ है, इस तरह से 44 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे सो यहाँ पर आएगा 88, दैट मीन्स 86 और 88 को ऐड करेंगे तो 174 आएगा। सो क्वेश्चन मार्क की जगह पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, 88 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना होगा, सो 8 2 16, यहाँ पर 6 आएगा, 1 कैरी जाएगा, देन 8 2 16 अगेन एंड 1 कैरी जो था 170, सो 17। सो इस हिसाब से 176 आता है। अभी हमें क्या कर देना है, बस 174 और 176 इन दोनों को ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड किया तो 6 4 10, लास्ट में आएगा 0 कैरी, और 0 तो हर एक में है, हर एक ऑप्शन आपका 0 को यूनिट डिजिट पे लेकर रखा हुआ है।
सो इसको ऐड कर दिया, 10 आया, फिर 7 और 7 को ऐड किया 14 आया, प्लस 1 कर देंगे 15 आएगा यहाँ पर. सो 0 के साथ में 5 का कॉम्बिनेशन यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा. इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं. सो यहाँ पर 15 आया, सिर्फ 1 2 एंड 1 जो ऊपर कैरी था 3. सो इस तरह से 350 आया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर एंड दैट इज ओनली द वैल्यू इन ऑप्शन नंबर 2. सो इस तरह से हमने देखा, अच्छे क्वेश्चंस देख लिए, हमने काफी अच्छे से प्रैक्टिस करी है. मिसिंग नंबर सीरीज की का सीरीज चल रहा था. इस तरह से आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है. अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों.